Hey guys, I'm Preeti and welcome back to our channel, The Homemaker Style Corner. So guys, you all know moisturization is very important for our skin, especially in winters. अगर आपकी normal या फिर combination skin है तो आपका एक simple से moisturizer से काम चल जाएगा. But if your skin is extremely dry, तो moisturizer भी आपकी skin के लिए work नहीं करेगा. ऐसे में आपको double hydration and moisturization की ज़रूरत पड़ेगी and वो आपको मिलेगी serum से. बहुत सारे अच्छे अच्छे serums आपको market में मिल जाएंगे, आपकी अपनी skin type के according आप ले सकते हैं. बट आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसा DIY नाइट सीरम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जो कि आपको मॉइस्चराइजेशन तो देगा ही, साथ ही साथ आपकी स्किन को क्रिस्टल क्लियर, हेल्दी एंड एकदम ग्लोइंग बनाएगा. एंड आई रियली मीन इट गाइज, ट्रस्ट मी. जितने भी DIYs होते हैं जो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, सबसे पहले मैं खुद पर उसे ट्राई करती हूँ, उसके रिजल्ट्स मैं देखती हूँ कुछ 20 डेज या 1 मंथ तक. अगर मुझे उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, वही DIYs आपके साथ मैं शेयर करती हूँ. जिनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं वो मैं वहीं भूल जाती हूँ, वो शेयर नहीं करती हूँ आपके साथ. सो इस सीरम को भी मैंने खुद पे ट्राई किया है, यूज़ किया है इसे कंटिन्यूसली कुछ 20-25 डेज तक, एंड इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. सो आई थॉट लेट्स शेयर इट विद यू गाइस नाउ. इस सीरम में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव इंग्रेडिएंट ऐड किया है, जो कि इस सीरम की क्वालिटी को 10 टाइम्स और बढ़ा देगा एंड आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उसके. तो चलिए गाइस, बातें बहुत हो गई, अब जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड देखते हैं कि सीरम बनेगा कैसे, सो दैट आप जल्दी से इसे बनाएं एंड ट्राई करें. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. सीरम को बनाना कोई ज्यादा तामझाम नहीं है, बहुत ही सिंपल से कुछ 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हैं, जो कि आपको इजीली आपकी किचन में ही मिल जाएंगे एंड आप इजीली उसे बना सकते हैं. सो गाइज, इस सीरम को बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ आपको चाहिए वो है कच्ची हल्दी. यस, इसमें आपको कच्ची हल्दी ही यूज़ करनी है, कोई भी पाउडर हल्दी आपको यूज़ नहीं करनी है. सो ये आपको किसी भी वेजिटेबल शॉप में इजीली मिल जाएगी या फिर आप ग्रोसरी शॉप से भी खरीद सकते हैं, फ्रोजन फॉर्म में ये मिल जाएगी आपको, तो आप ले सकते हैं. उसके बाद आपको इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है एंड पील ऑफ कर लेना है, छिलके निकाल लीजिए एंड फिर आपको इसे करना है ग्रेट. इसे कद्दूकस कर लीजिए और हमें निकालना है इसका जूस. तो इस तरह से एक स्ट्रेनर रखकर, एक छन्नी रखकर आपको इसका जूस निकाल लेना है, हल्के हल्के से प्रेस कर लीजिए और आपको जो है इसका जूस मिल जाएगा. सो इस तरह से हल्के हल्के से स्पून से जब आप इसे प्रेस करेंगे तो जूस आराम से निकल जाएगा एंड करीब 1 से 2 टीस्पून जूस हमें मिलेगा एक छोटे से हल्दी के टुकड़े से. एंड ये जो हल्दी बच गई है जिससे हमने जूस निकाला है, इसे आप डिस्कार्ड मत करिए, इसे आप स्क्रब बना सकते हैं या फिर आप इसकी चाय बना सकते हैं या फिर आप इसे ड्राई करके इसका पाउडर बना सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं. सो इट्स अप टू यू कैसे आप इसे यूज़ करना चाहते हैं. अब हम बनाएंगे सीरम. इसके लिए आपको लेना है एक बाउल एंड सबसे पहले इसमें ऐड करना है अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल. फ्रेश वाला यूज़ नहीं करना है, आपको रेडीमेड वाला ही यूज़ करना है. देन यू नीड टू ऐड 1 टीस्पून ऑफ ग्लिसरीन, ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप में इजीली मिल जाएगी. देन उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है कोई भी ऑयल, आपके पास कोई भी ऑयल है, ऑलिव ऑयल या फिर स्वीट आलमंड ऑयल वो यूज़ कर सकते हैं, बट कोकोनट ऑयल यूज़ मत करिए, वो थोड़ा सा थिक होता है, तो आपको लाइट ऑयल ही यूज़ करने हैं. यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ जोजोबा ऑयल, ये प्योर जोजोबा ऑयल है, ये काफ़ी अच्छा ऑयल है. तो यहाँ पर मैं कुछ 1 से 1.5 टीस्पून इसमें ऑयल ऐड कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अपना सीरम का जो हीरो इंग्रेडिएंट है वो, और वो है टर्मरिक जूस. यहाँ पर 1 से 2 टीस्पून जो टर्मरिक जूस मैंने निकाला था, एक्सट्रैक्ट किया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और उसके बाद इसे मिक्स करूँगी. बट मिक्स करने से पहले मैं इसमें ऐड करूँगी टर्मरिक एसेंशियल ऑयल, आपके पास कोई भी एसेंशियल ऑयल है आप डाल सकते हैं उसमें, बट ये ऑप्शनल है. इससे सीरम की शेल्फ लाइफ जो है बढ़ जाती है, ख़राब नहीं होता है जल्दी, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ. बट आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं. उसके बाद इसे मिक्स कर लीजिए और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपको मेंटेन करनी है, ना ही ये बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए. तो मैं इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छे से बैलेंस हो जाए. इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद कंसिस्टेंसी हो जाएगी एकदम परफेक्ट एंड सीरम हो जाएगा रेडी. उसके बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं. बाय द वे, आप यहाँ पे मेरे हाथ देख सकते हैं, पूरे येलो हो गए हैं टर्मरिक जूस से. और गाइस, अगर आपके पास कोई भी वेस्ट सीरम की बॉटल पड़ी है पुरानी, उसमें भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं. जैसे यहाँ पर मेरे पास एक पिक्सी का जो सीरम है मेरा पुराना, उसमें मैंने इसे स्टोर करके रख दिया है, इसके साथ ड्रॉपर भी है तो लगाने में भी ईजी होगा. तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ इसे अपने हाथों पर लगाकर, उसके बाद मैं अपने फेस पर भी लगा के आपको बताऊंगी. तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया वाला एकदम मार्केट वाला सीरम जो है एकदम बनके रेडी हुआ है एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं. एंड गाइस, इस सीरम को आप बाहर भी रख सकते हैं बिकॉज अभी सर्दियां हैं तो ये ख़राब नहीं होगा. बट अगर आप इसकी शेल्फ लाइफ और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे रेफ्रिजरेट करके भी रख सकते हैं. इसे आप फ्रिज में रखिए तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा. और अब मैं आपको बताऊंगी इसे आपको यूज़ कैसे करना है.
एंड इस सीरम को यूज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, जैसे भी नॉर्मली अपने सीरम्स आप लगाते हैं वैसे ही आपको इसे यूज करना है। बस आपको इसे डे टाइम पे यूज नहीं करना है, आपको इसे नाइट टाइम पे यूज करना है। जब भी आप अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन करते हैं तब आपको इसे यूज करना है। सो रात को सोने से पहले आप फेस वॉश अच्छे से कर लीजिए, क्लेंजिंग अपनी कर लीजिए, उसके बाद आप जो भी टोनर वगैरह अप्लाई करते हैं, बेसिकली जो आपकी सीटीएम रूटीन होती है वो आपको करनी है एंड उसके बाद आपको ये सीरम अप्लाई करना है। सो यहाँ पर मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, उसे अच्छे से मैंने वाइप कर लिया, देन मैंने अप्लाई किया रोज वाटर। टोनर मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ विंटर्स में, थोड़ी सी स्किन उससे मेरी ड्राई होती है, बट रोज़ वाटर मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ। सो आप भी टोनर ज़रूर अप्लाई करिए, चाहे रोज़ वाटर हो या कोई भी आपकी स्किन टाइप को जो सूट करता है। एंड उसके बाद लेना है ये सीरम, और इस सीरम का आप कलर देख सकते हैं गाइज, कितना ब्यूटीफुल कलर आया है टर्मरिक जूस से। तो इस तरह से शेक कर लीजिए पहले बॉटल को, और उसके बाद 3 से 4 ड्रॉप्स आपको लेने हैं एंड अपने फेस पे इस तरह से लगा लीजिए। और उसके बाद आपको करनी है मसाज, मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। एंड इसके जो बेनिफिट्स हैं इस सीरम के वो मैं आपको भी बताऊंगी। दिस टर्मरिक सीरम इज़ वेरी इफेक्टिव बिकॉज टर्मरिक हैज़ मेनी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज फॉर योर स्किन। टर्मरिक में होता है करक्यूमिन नाम का केमिकल कंपाउंड जो कि एक नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट होता है एंड इससे आपकी स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है। अगर आपके फेस पे रिंकल्स हैं, ब्लेमिशेज हैं, वो भी ठीक होते हैं, आपकी स्किन एकदम सपल होती है और साथ ही साथ आपका कॉम्प्लेक्शन भी बूस्टअप होता है। एंड आपके फेस पे अगर पिंपल्स आते हैं, एक्ने आते हैं, ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा होता है तो वो भी इससे ठीक होगा। आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग बनेगी, यूथफुल ग्लो आएगा आपके फेस पे। एंड आपके फेस पे अगर डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं, स्कार्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, वो भी इससे ठीक होंगे। आपकी स्किन एकदम मॉइस्चराइज आपको फील होगी, बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगी सीरम को अप्लाई करने के बाद। सो गाइज आपने देखा मैंने इसे 2 बार लगाया, पहले मैंने 4 ड्रॉप्स लिए मसाज की, उसके बाद अगेन मैंने 4 ड्रॉप्स लिए फिर मसाज की, अपनी आइज़ के नीचे भी की। तो इस तरह से मसाज आपको इसकी करनी है कुछ 4 से 5 मिनट तक, और उसके बाद गाइज कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको आराम से सो जाना है एंड सुबह उठ के आपको जो है फेस वॉश करना है एंड फेस वॉश करने के बाद आपको मिलेगी एकदम सॉफ्ट सपल एंड ग्लोइंग स्किन। And lastly, I just want to add one thing, guys. Whenever you try any DIY, please be patient with it because it takes little time to show up the results. अगर आप compare करेंगे market-based products को तो उनके जो results आते हैं वो जल्दी आपको देखने को मिलते हैं because उनमें chemicals होते हैं, potent ingredients डाले जाते हैं जिसकी वजह से results जल्दी देखने को मिलते हैं। DIYs are all natural, उनमें chemicals नहीं होते हैं, so उनके results थोड़े से आपको आराम से मिलते हैं, late मिलते हैं, but मिलते ज़रूर हैं। For example, if you are using any allopathic medicines, तो उसके results आपको जल्दी देखने को मिलेंगे compared होम्योपैथिक मेडिसिन से। सेम गोज फॉर DIYs, उनके रिजल्ट्स भी आपको थोड़ा सा लेट मिलते हैं बट मिलते जरूर हैं। अगर आप उन्हें रेगुलरली यूज करेंगे तो 100% आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यू कैन सी माई स्किन गाइज, ऑफकोर्स इस टाइम मेकअप है आपको अच्छे से नहीं दिखेगा बट आपने मेरी बेयर स्किन भी देखी है कैसी है। मैं बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ DIYs का बिकॉज मुझे लगता है कि DIYs नेचुरल होते हैं एंड नेचुरल चीज़ें आपकी स्किन के लिए अच्छी होती हैं। तो DIYs जरूर ट्राई करिए गाइज एंड ये जो DIY सीरम है इसे आप जरूर ट्राई करिए एंड इसके कैसे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं मेरे जरूर शेयर करें। ओवरनाइट रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, कम से कम 15-20 डेज के लिए आपको इसे रेगुलरली यूज करना है एंड डेफिनेटली आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मैं गारंटी देती हूँ इस चीज की। एंड ये जो सीरम है ये सारी स्किन टाइप वालों को सूट करेगा, चाहे आपकी नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, सबको ही अच्छे से सूट करेगा बिकॉज इसमें ऐसा कोई इंग्रीडियंट मैंने ऐड नहीं किया है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपकी स्किन में, कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। बट इफ योर स्किन इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, आप इसे लगाइए एक बार और अगर आपको ये सूट करता है तो प्लीज़ इसे कंटिन्यू करिए। बट अगर इसकी वजह से कोई आपको रैशेस होते हैं, इरिटेशन होती है, रेडनेस होती है तो प्लीज़ डिसकंटिन्यू, आप इसे आगे यूज़ मत करिए। हो सकता है कि आपको ये सूट ना करे बट आई डोंट थिंक सो बाकी स्किन टाइप वालों को इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होगी, आप डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हैं। सो या गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइए ज़रूर। एंड येस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो मुझे उसमें ज़रूर फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छा अच्छा कॉन्टेंट वहाँ भी देखने को मिलेगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शर्मा प्रीति पंकज एंड मेरा एक फेसबुक पेज भी है दी होममेकर के नाम से, आप उसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए गाइज अब मैं चलती हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करती हूँ और आपसे जल्द मिलती हूँ एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल।